हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट सावित्री पूजा ब्लॉग वीडियो, जो कि मैं कैसे कैसे तैयार हुई हूँ, कहाँ पे पूजा करने गई हूँ, सारा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊँगी मैं आप सभी के साथ। और आज वैसे तो आज पूजा का दिन है, तो मैंने महावर भी लगाया है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और 19 तारीख को था वट सावित्री का पूजा, जिसमें कि हम लोग बर का वट वृक्ष के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, वट वृक्ष का ही हम लोग पूजा करते हैं। और उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मैंने साड़ी वियर कर ली है और मैंने मंगलसूत्र वियर किया है गले में, और ये है मेरा गोल्डन कलर का इयररिंग्स। और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी नहीं लाया है, तो इसलिए मैं नहीं पहन पाई मांग टीका, नथिया, ये सब कुछ भी नहीं वियर कर पाई, क्योंकि मेरे पास गोल्ड का था नहीं और आर्टिफिशियल उतना ख़ास लगता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं नहीं पहनी। और सिंपल सा लुक आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ वट सावित्री पूजा के लिए, जितना कुछ है उतना में ही बस। और हम लोग मॉर्निंग में ही जा रहे थे पूजा करने, क्योंकि भीड़ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो हम लोग इतने मॉर्निंग में गए थे तो आराम से पूजा कर लिए थे, नहीं तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाता था और पूजा करने में और दिक्कत होता, तो इसलिए हम लोग एकदम सुबह सुबह तैयार हुए। और अभी के टाइम में तो सुबह में ही एकदम सूरज भगवान निकल जाते हैं बहुत जल्दी, इतना कड़ा धूप करने लगा है, बहुत गर्मी हो गई है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वैसा मेकअप भी नहीं किया, क्योंकि मेकअप भी बह जाएगा पसीने में। और मैं यहाँ पे पहन रही हूँ अपना सिल्वर पायल, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। और मेरे पैरों में अभी भी रेड कलर का नेल पेंट लगा हुआ है, और इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया, क्योंकि साड़ी पे, साड़ी किसी भी कलर का हो लेकिन पूजा पाठ करना है ना, तो रेड कलर का नेल पेंट सही लगता है। और अभी मैं बैंगल्स वेयर करूँगी, तो उसके लिए मैं अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बैंगल्स पहनने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है। जब भी मैं बैंगल्स खोलती हूँ या पहनती हूँ तो मेरे हाथों में कट हो जाता है, ब्लड भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ले रही हूँ। और फिर उसके बाद पहनूँगी अपना बैंगल्स। मेरे पास मैंने ग्रीन कलर का भी बैंगल्स रखा था, और अलग से मेरे पास ये सेट भी था जिसमें कि बना हुआ है राधा कृष्ण का पिक्चर, तो मैं फिर सोची कि मैं यही पहन लेती, क्योंकि इसमें भी गोल्डन कलर का वर्क है, ग्रीन है, रेड है, तो ये साड़ी के अकॉर्डिंग मैचिंग कर जा रहा था, तो फिर मैं यही वाला वियर कर लेती हूँ। राधा कृष्ण जी का है ये, चूड़ा है, चूड़ा, चूड़ा भी बहुत तरह का आता है ना, तो ये चूड़ा है। और इसको मैं सामने से दिखा रही हूँ, सबको वेट कर रहे थे और मैं भी यहाँ फटाफट से कर ही रही थी, मैं उन लोग बोल के आ रही थी 5 मिनट, बस 5 मिनट। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सभी सुहागिन महिलाएं सब कोई एक साथ जाते पूजा करने के लिए, तो मुझे ही बस लेट हो गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ ना, जब तक मैं घर पे पूजा नहीं करूँगी मैं बाहर कैसे पूजा कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले घर में पूजा करती हूँ और मुझे घर पे ही पूजा करने में टाइम लग जाता है डेली। और यहाँ पे मैं अपना बैंगल्स वियर कर ले रही हूँ। वट सावित्री का पूजा अपने पति के लिए किया जाता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए, हमारे पति जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, इसलिए हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसमें कि माता सावित्री अपने पति के लिए करती हैं व्रत, यमराज से भी अपने पति को वापस लेकर के आ जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग करते हैं वट सावित्री का पूजा। और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ आलता,
मैंने नया आलता खरीदा है क्योंकि मेरा पुराना वाला आलता समाप्त हो चुका है। मैंने इतना आलता लगाया है कि वह समाप्त हो गया, तो यहाँ पे मैंने नया आलता खरीद के रख लिया था पहले ही, और अभी मैं लगा ले रही हूँ आलता। और सही में बताऊँ, मैं पूजा पाठ करने के टाइम में सही में इतना ज़्यादा हड़बड़ी रहता है ना कि समझ में नहीं आता कि डिज़ाइन कौन सा लगाऊँ, बट फिर भी मैं सिंपल से एक डिज़ाइन लगाऊँगी जो कभी नहीं लगाया है। सेम सेम मैं कुछ नहीं करती हूँ, चाहे फिर वो कुछ भी हो, मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं आलता भी थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का लगाऊंगी, लेकिन हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी भी होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। मेरे पैर में आलता था पहले से लगा हुआ, हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, पिंक पिंक। हड़बड़ी में लगा रही हूँ मैं आलता। सिंपल सा आलता डिज़ाइन है और मैंने सिर्फ 1 मिनट में लगा लिया था, जल्दी जल्दी के चक्कर में। आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि मैं जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे थे ना, तो मैंने बोला मैं सिर्फ आलता लगा करके आ रही हूँ। और मैं मेकअप ये सब करते हुए एक भी वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैं इधर करूं उधर करूं, पूजा का सामान का तैयारी करना, क्या क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, सारा सारा कुछ किए, तो करते करते लेट हो गया था मेरा। वैसे तो मैंने पूजा का तैयारी सारा कुछ नाइट में ही कर लिया था। पंखा होता है उस पर, उसको धो करके फिर उस पर पति का नाम लिखा जाता है आलता से ही, वो सब मैंने रात में किया था। मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ हर चीज़ का, बट हो नहीं पाया हड़बड़ी में। क्योंकि कुछ कुछ ज़रूरी सामान खरीदने मार्केट चले गए थे, इसलिए फिर मैं बना नहीं पाई वीडियो। मेरा आलता डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, बस सिंपल सा मैंने लगाया है, और बस ऐसा लगाया कि थोड़ा डिफरेंट लगे और इजी भी है, ऐसा कोई भी लगा सकता है बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, आपने तो देखा मेरा लुक कैसा दिख रहा है, बीच मांग मेरा होता नहीं, बट फिर भी मुश्किल से मैं क्लिप किनारे किनारे लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मैंने अपना पूजा का सामान मैंने ले लिया है डोलची में। मैंने पूजा का सामान में गुड़, अक्षत, दिया, बत्ती, कपूर, प्रसाद में चढ़ाया जाता चना, तरबूज और मैंगो, और आप क्या बोलते बनाना भी चढ़ा सकते हो। और सूखा प्रसाद में आप इलायची दाना, मेवा, पचमेवा ये सब चढ़ा सकते हैं। मैंने चुनरी ले लिया है और उसको मैं वहीं पे ओढ़ लूँगी, बस आज इतना ही, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि मेरे पास है नहीं। मुझे मन था कि मैं मांग टीका नथिया बड़ा सा पहनूँ, बस यहाँ पर कुछ भी नहीं था मेरे पास, सारा ससुराल में है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, निकल गए हैं, बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। साड़ी से बाल से तो और भी ज़्यादा। हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, वट सावित्री का सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है। मैंने पंखा और पूजा का सामान ले लिया, चुनरी भी मैंने थैले में ही डाल लिया क्योंकि गर्मी लग रहा था। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है, पहले से यहीं पे पूजा करना भी कम भीड़ है, ज़्यादा दूर जब निकलना था ना पूजा करने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। लोग सही टाइम पे आए थे, भीड़ भी कम था, लोग बहुत ही अच्छे से पूजा कर लिए। और सबसे पहले पूजा करने के पहले आपको ये जो वटवृक्ष का एक पत्ता आपको ले लेना और उससे अपने बालों में लगा लेना है, ऐसे सभी महिलाएं करती हैं। इस तरीके से मैंने क्लिप से इसे कट कर दिया है और अब मैं पूजा कर लूँगी। और फिर फेरी देना रहता है बहुत, कोई 51 बार, 108 बार, जितना फेरी देना उतना दे सकते हैं। स्टार्टिंग 5 बार से होता है, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना मैं
कितना फेरी दे सकते हैं। तो मैंने दिया था 51 बार फेरी। कच्चा सुत्ता लपेटना रहता है 51 बार उसी से, और प्रसाद और सिंदूर भी लगाया जाता है। एक बार फेरी दिए, फिर प्रसाद चढ़ाए, सिंदूर लगाए, फिर पंखा से हवा दिए। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पे वट वृक्ष का पूजा करती हैं। और 5 महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है, 5 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना है, प्रणाम करना है। सभी को एक दूसरे को लगाते हैं। यहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ। इस दिन बोला जाता है कि वट वृक्ष का डाल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि पत्ता गिरा हुआ है तो आप उसको लगा लो, नहीं तो जिस पेड़ का पूजा होता है उसका नहीं तोड़ा जाता, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे सभी सुहागिन महिलाएं व्रत की हुई हैं, और पंडित जी भी आए हुए थे, दो दो पंडित जी थे, सब कोई कथा सुना रहे थे। और यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, देखो चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा है। वैसे ये नज़ारा तो मैं डेली देखती हूँ। और सिंदूर भी किसी को लगाना चाहिए, तो कभी भी दक्षिण के तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। आज महिलाओं को कैसे भी करके पूरा कर देना है सिंदूर लगा के, तो मैं वही कर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वट सावित्री का पूजा कर लिया, अभी फेरी क्या अभी कथा बाकी है। यहाँ देखो, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया है। अपना सिनोरा का भी पूजा होता है, सिनोरा सभी लेडीज लोग वहाँ पे अपना अपना सिनोरा रखती हैं, उसका भी पूजा करती हैं। वृक्ष में एक हल्का सा लगा करके गीला, फिर उसको पेड़ में चिपकाया जाता है, फिर उसमें 5 टिक्का दिया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर वो प्रसाद पूजा करने के बाद उठा लिया जाता है, वही प्रसाद फिर खिलाया जाता है पति को। फिर यहाँ पे कथा सुन रहे हैं हम सभी लोग, बैठ करके कथा सुनते हैं, कथा होता है, आरती होता है। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद फिर पूजा करने के बाद जब घर पे आते हैं तो फिर पति के पैर धोए जाते हैं, और उनको आरती दिखाते हैं, टीका देते हैं, और पांच पर गला मिलते हैं, पंखा से भी उनको हवा देते हैं, और पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं। हम लोगों को प्रसाद खिलाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं, उसके बाद ही हम लोग जल ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा बर्थडे तक को जुड़ाने के लिए या फिर कुछ भी खाना है, फ्रूट्स ये सब, तो उसके बाद ही हम लोग खाते हैं, फिर पंडित जी को दिया जाता है। तो यहाँ पे वर को जुड़ाने के लिए नींबू को यहाँ पे काटने का कुछ साधन नहीं है, बट मिल गया कैसे भी करके। यहाँ देखिए हो रहा है, डाल लीजिए थोड़ा सा, डाल लीजिए नींबू सब। बहुत ही अच्छा लगा था, सभी लोग साथ मिलकर पूजा किए थे, पंडित जी ने ग्रहण कर लिया है, पति को भी व्रत रखती है। अब जा रहे हैं घर घर घर, धूप भी हो गया बहुत ज्यादा। लिया है नहीं लिया है? ओके फ्रेंड्स,
ये रहा आज का मेरा व्लॉग, यही समाप्त होता है। मैं आ गई थी घर और बाकी सारा कुछ हो गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना गर्मी किया ना, गर्मी से ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। करना कुछ नहीं बट गर्मी ही इतना ज़्यादा है ना, गर्मी से ही बस परेशान है। बाकी आप लोग मेरा लुक तो देख ही रहे हो, मैं कैसी दिख रही हूँ। ये मैंने न्यू साड़ी ख़रीदी है, मैंने ख़रीदी थी वट सावित्री पूजा में पहनने के लिए स्पेशली, मेरे हस्बैंड का पसंद का ये साड़ी है। जो भी महिलाएं वट सावित्री का पूजा की हैं या करती हैं, उनके पति की आयु लंबी हो, भगवान उनकी रक्षा करें। सभी माताओं बहनों को बधाई हो, बहुत सारा बाय बाय।